नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। दरभंगा के सिटी SP योगेंद्र कुमार ने कोरोना वायरस के लिए एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि COVID-19 की रोकथाम के लिए दरभंगा पुलिस व प्रशासन कई अभियान चला रही है। दरभंगा के सिटी SP योगेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि COVID-19 की रोकथाम के लिए दरभंगा पुलिस और दरभंगा प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत मंगलवार को लहरिया सराय क्षेत्र के मार्केट में सड़कों पर बिना मास्क लगाए हुए वाहन चालकों से लेकर बिना मास्क लगाए दुकानदार या कस्टमर देखे गए थे। ऐसे कई लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। सिटी SP ने मंगलवार को पूरे जिले में चलाए गए अभियान के तहत कुल 60 वाहन पर कार्रवाई की, जो वाहन के यात्री मास्क नहीं लगाए हुए थे। ऐसे कुल 60 वाहन चालक पर 44,500 का फाइन किया गया। COVID-19 के तहत जो लोग पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनते हैं, ऐसे लोगों पर 50 रुपए का जुर्माना करने का प्रावधान आया है। सिटी SP योगेंद्र कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि आपको कोरोना के संक्रमण से लड़ाई लड़ना है और कोरोना के संक्रमण से बचना है तो आपको अपने चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। दरभंगा पुलिस और दरभंगा प्रशासन लगातार कोविड के रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी सिलसिले में कल मैंने और DM साहब ने लहरिया सराय क्षेत्र में मार्केट में जाकर के एक अभियान चलाया था। इसमें जो वाहन मालिक हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या जो दुकान संचालक हैं जो बिना मास्क की दुकान चला रहे हैं या ग्राहकों को भी सामान दे रहे हैं, उस पर हम लोग ने नियमानुसार कार्रवाई की थी। उसका आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। कल पूरे ज़िले में टोटल 60 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इनके जो वाहन के जो चालक थे वो बिना मास्क के यात्रा करते हुए पाए गए और इसमें जो यात्री थे वो भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। टोटल इन पे जो फाइन की राशि जो इन पे की गई है वो 44,500 रुपये की गई है 60 गाड़ियों पर। इसके अलावा कोविड में रेगुलेशन के तहत अभी प्रावधान आया है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे पब्लिक प्लेसेस पर, उन पर 50 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान आया है। उसके तहत हम लोगों ने टोटल 519 व्यक्तियों पर पूरे ज़िले में कल कार्रवाई की है, जिसके थ्रू 25,950 रुपये का चालान हुआ है। इसके अलावा लहरिया सराय थाना क्षेत्र के अंदर 4 दुकानों को STM के द्वारा नोटिस दे करके अगले 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। वहाँ पे हम लोग ने ये पाया था कि बिना मास्क लगाए हुए ग्राहकों को सामान दिया जा रहा था और कई जगह हमने ये पाया कि दुकानदार भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। इसके अलावा हम लोग ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया है, जिसमें लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि मास्क का जो पहनने का जो एक संस्कृति है वो डेवलप हो, और हम लोग चाहते हैं कि लोगों में एक बिहेवियरल चेंज आए। और इस समय कोरोना को लड़ने के लेकर के हम लोग की मुख्य स्ट्रैटेजी है, हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, और ये कार्रवाई हम लोग लगातार करेंगे। सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि दिन में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को इस प्रकार की कार्रवाई करें, तो इससे लोगों में इसके अनुपालन को लेकर के ज़रूर सफलता मिलेगी।